तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के तीन क्लब केरला ब्लास्टर एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़ी वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा के नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मोहनबगान एटीके के नए नाम और लोगो और जर्सियों के बारे में। तो दोस्तों, नया जो नाम निकल के आ रहा है एटीके का, वो होगा एटीके मोहनबगान फुटबॉल क्लब। और दोस्तों, इसका जो लोगो है वो पहला जो लोगो था मोहनबगान का वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। जो नया नाम है वो है एटीके मोहनबगान फुटबॉल क्लब। और जर्सी जो है वो जो पुराना जर्सी था मोहनबगान का वही बरकरार रहा है अभी भी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट बंगाल के बारे में। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल को खरीदने के लिए अपना इच्छा प्रकाश किया है रंजीत बजाज ने। तो दोस्तों, रंजीत बजाज इससे पहले पंजाब एफसी के को ओनर थे और पंजाब एफसी के ओनर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, उन्होंने क्वेस के पास जो 70% ईस्ट बंगाल का स्टेक है उसको खरीदने का अपना इच्छा जताया था, लेकिन अभी वो देखना है क्या क्वेस रंजीत बजाज को 70% स्टेक देता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता ऐसा होने वाला है। रंजीत बजाज ने एक प्रेस को दी हुई इंटरव्यू में कहा है वो क्वेस के साथ बातचीत चला रहे हैं कि जो 70% स्टेक उसके ईस्ट बंगाल का है, वो 70% स्टेक अगर वो रंजीत बजाज को दे दे तो वो रंजीत बजाज तो 70% स्टेक खरीदना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईस्ट बंगाल अपना 70% स्टेक जो है वो क्या रंजीत बजाज को दे देंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों का क्या धारणा है इसके ऊपर। तो दोस्तों, अब बात करेंगे केरला ब्लास्टर एफसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से खेलने वाले मैथिज पोपलांकिक अब केरला ब्लास्टर एफसी को छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने ज्वाइन किया है स्कॉटिश क्लब लिविंगस्टोन को। इसके बाद आते हैं केरला ब्लास्टर से जुड़ी हुई एक ट्रांसफर न्यूज, जहां पर केरला ब्लास्टर एफसी ने एल्विनो गोम्स को साइन कर लिया है एज ए गोलकीपर के तौर पे। तो दोस्तों, एल्विनो गोम्स एक 26 साल के गोलकीपर है, वो इससे पहले उड़ीसा एफसी में खेल रहे थे और उन्होंने आइजोल एफसी और दिल्ली डायनामोज जैसे टीमों की तरफ से भी खेले हैं। अब बात करेंगे केरला ब्लास्टर से जुड़ी हुई एक ट्रांसफर रूमर्स के बारे में, जहां पर केरला ब्लास्टर एफसी अपना बातचीत चला रहे हैं ओसाल्डो हेनरिकेस के साथ। तो दोस्तों, ओसाल्डो हेनरिकेस एक 31 साल के सेंट्रल बैक हैं, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं कोलंबिया से। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा ओसाल्डो के साथ क्या केरला ब्लास्टर एफसी अपना डील फाइनल कर पाता है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये डील शायद हो सकता है, क्योंकि ओसाल्डो के साथ बातचीत बहुत आगे तक जा चुका है और केरला ब्लास्टर एफसी के पास अभी कोई भी फॉरेन डिफेंडर नहीं है, शायद इसलिए ओसाल्डो के साथ केरला ब्लास्टर एफसी अपना डील कन्फर्म कर दे। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेटों के बारे में, जहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ वीपी सुयर का फाइनल बातचीत हो चुका है। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग ये पकड़ के चल सकते हैं कि वीपी सुयर नेक्स्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से ही खेलेंगे। वीपी सुयर ने इससे पहले मोहनबगान को आई लीग जिताया था, इसके साथ साथ उन्होंने गोकुलम केरला एफसी और ईस्ट बंगाल जैसे टीमों की तरफ से भी खेल चुके हैं। उनका उम्र है 27 साल, वो बेसिकली एक स्ट्राइकर है, लेकिन वो राइट मिडफील्डर और राइट विंगर दोनों पोजिशन में बहुत ही अच्छा खेल लेते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दो गोलकीपर के ऊपर अपना नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं, पहला है ओबित सीके और दूसरा है जेम्स खीतन। तो दोस्तों, ओबित सीके जो है वो अभी गोकुलम केरला एफसी के गोलकीपर हैं, उन्होंने ईस्ट बंगाल के तरफ से भी गोलकीपिंग की है, उनका उम्र है 30 साल। और जेम्स खीतन जो है वो बेसिकली चर्चिल ब्रदर्स के गोलकीपर है, उनका उम्र है 25 साल। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा इन दोनों गोलकीपर में से कौन से गोलकीपर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लेता है, या दोनों गोलकीपर को ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ले लेता है अपने नेक्स्ट सीजन के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं इस चैनल में, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो का लिंक है दूसरे चैनल का, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों, इन न्यूज़ों में से अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा न्यूज़ और अपडेट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा के नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं इंडियन फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेटों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।